पूरे देश में लोकसभा की कई ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला रिश्तेदारों के बीच है। गुजरात के जामनगर संसदीय सीट में भी चाचा और भतीजी चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। कांग्रेस ने यहां से एक बार फिर विक्रम भाई मादाम पर बाजी लगाई है। विक्रम भाई पिछले दो बार से लगातार यहां के सांसद रहे हैं और इस सीट पर किसी भी पारिवारिक लड़ाई से इनकार कर रहे हैं। मैं कभी कास्ट फैक्टर पे इलेक्शन लड़ता भी नहीं हूँ। कास्ट फैक्टर असर करता है नहीं करता है वो जिसको जानना है जाने, और ना मैं अपनी फैमिली से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं बीजेपी से कांग्रेस का जो विचारधारा की लड़ाई है वो लड़ रहा हूँ और लोग मेरी विचारधारा भी जानते हैं। पिछले दो बार से विक्रम भाई को पटखनी देने में नाकाम रही भाजपा ने पार्टी की विधायक और विक्रम भाई की भतीजी पूनम बैन मादाम पर अपना दाव लगाया है। तो जिस तरह से यहाँ लोगों में जो विश्वास है पार्टी पर और मुझ पर एक कैंडिडेट के रूप में, उसका प्रतीत यहाँ आपको मिल रहा है। राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं। पूरे सौराष्ट्र की तरह जामनगर के कुछ इलाकों में पीने के पानी की दिक्कत है। 8-10 दिन थाने ले पाई 5-6 दिन की बंद हो जाए पानी पाछो ये सुनाए हम जीरी जीरी पानी आए पर 5 मिनट आए पर कला का कुछ मरवा दे पर कला पर वही 5-10 मिनट पानी आवे। यहाँ पानी आता है 10-15 मिनट आता है फिर चला जाता है, 3-4 दिन आता है नहीं आता है ऐसा चलता है। हालांकि दोनों ही प्रमुख उम्मीदवारों के लिए कहीं न कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी भी एक बड़ा मुद्दा है। यही मोदी जी थे 2004 में 2009 में हम लोग जीते थे और ये दफे सिर्फ मैं नहीं, कोई बार कुछ भी बोले पूरे देश में जो आपको दिखती है गुजरात की 26 सीटों में बीजेपी से एक सीट ज्यादा कांग्रेस की आएगी आएगी और आएगी। स्पष्ट बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आने वाले दिनों में और हमारे गुजरात के पुत्र वैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई इस देश के वड़ा प्रधान अवश्य बनेंगे। जामनगर संसदीय क्षेत्र में आपको अंबानी और एसआर जैसे बड़े उद्योग समूह के दर्शन हो जाएंगे तो रास्ते में आपको पवन चक्कियां भी मिल जाएंगी। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक प्रसिद्ध चार धामों में से एक द्वारका इसी क्षेत्र में मौजूद है जहाँ हर रोज हजारों सैलानी आते हैं। सुधाकर दास, DD News, जामनगर।